नक्शा बदलने वाला है। सरकार इस नक्शे में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूहों के अलावा गुजरात के आसपास के कई द्वीप को भी पहली बार बतौर पर्यटन क्षेत्र शुमार करने वाली है। बताया जाता है कि भारतीय पर्यटन मानचित्र को विस्तार देते हुए 21 द्वीपों को पहली बार जनता के लिए खोलने पर सहमति बन रही है। हालांकि इन्हें किन शर्तों पर खोला जाएगा, इस पर संस्कृति, पर्यटन, वन, पर्यावरण, सड़क परिवहन, जहाजरानी और रक्षा मंत्रालय बीच अंतिम बातचीत होनी बाकी है। फिलहाल नीति आयोग गृह मंत्रालय के साथ इस परियोजना पर विचार कर अपनी रिपोर्ट सरकार को देने जा रही है। कोर्ट ने MTT एक्ट की धारा 5 के तहत महिला को ये इजाजत दी। ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से गठित 7 के AM मेडिकल कॉलेज की 7 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद लिया गया। समिति ने रिपोर्ट में कहा कि इस कदम से महिला की जान कोई खतरा नहीं है। गौरतलब है कि 24 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात की मांग करने वाली महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद ही वह मामले में आदेश देगा। खुद को रेप पीड़ित बताने वाली महिला का कहना है कि उसका भ्रूण सामान्य नहीं है और अनुवांशिक बीमारी से पीड़ित है। इस खत में सिंह ने अन्ना से केजरीवाल की शिकायत की है। उन्होंने लिखा है कि केजरीवाल आज जहां पहुंचे हैं उसमें अन्ना के आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में अब जब केजरीवाल की सरकार में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, तो अन्ना को उनके खिलाफ भी सामने आना चाहिए। बीजेपी नेता ने लिखा है कि केजरीवाल के विधायकों पर फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के आरोप लगे। यही नहीं, CM बनने के बाद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई के अपने वादे को पूरा नहीं किया। इतना ही नहीं, केजरीवाल खुद की सरकार में भी गड़बड़ियों को अनदेखा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ये सलाह दी गई है। पाकिस्तान के पिछले शैक्षणिक सत्र में करीब 50 से 60 स्टूडेंट पाकिस्तान स्थित इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ रहे थे। भारत सरकार का फैसला मौजूदा सत्र से प्रभावित होगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नकवी सुकारिया ने इस मसले पर कहा कि भारत का अंदरूनी प्रशासनिक मामला है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा के फोर्ट पेयर्स में स्थित नाइट क्लब ब्लू में हमलावर घुसा और फायरिंग शुरू कर दी। घटना रात में करीब 1 बजे के आसपास की है। थाने पुलिस ने घटना में अब तक 17 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस ने क्लब को घेर लिया। बता दें कि फ्लोरिडा में बीते महीने एक गे नाइट क्लब में हमला हुआ था जिसमें करीब 50 लोग मारे गए थे। सोमवार को बीजेपी नेतृत्व पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके लिए पंजाब से बड़ा कुछ नहीं है। पंजाब उनका घर है, लेकिन उन्हें दिल्ली से ऑर्डर आया कि पंजाब से दूर रहो। सिद्धू ने कहा कि इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू ने कहा, दुनिया की कोई भी पार्टी पंजाब से ऊपर नहीं है। अगर ये पहली बार होता तो मैं सहन कर जाता, लेकिन तीसरी चौथी बार ऐसा हुआ। सिद्धू को तब पंजाब से चुनाव लड़ने बोला जब विरोधी लहर थी। सिद्धू जीता, लोगों ने विश्वास किया और 4 बार मौका दिया, लेकिन जब मोदी साहब की लहर आई तो विरोधी डूबे थे, सिद्धू को भी डुबो दिया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ हो या फिर उज्जैन के महाकाल या फिर हो देवघर के भोले बाबा, सभी जगहों पर भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। इसके साथ ही हर शहर में शिवालयों पर भी भक्त उमड़े हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पूरी विधि विधान से महाकाल की भस्म आरती हुई, फिर पंचामृत से उनका अभिषेक किया गया। यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के लिए भक्त उमड़े हुए हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद के दुबेश्वर मंदिर में भी पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। इसके साथ ही झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में बैंकों के समूह ने अपनी याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद माल्या ने अपनी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा नहीं दिया। ये कोर्ट की अवमानना है, इसलिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले शराब कारोबारी विजय माल्या से उनकी संपत्ति का सील बंद लिफाफे में ब्यौरा मांगा था। बैंकों के समूह ने हाल ही आरोप लगाया था कि माल्या मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। बता दें कि विजय माल्या इस वक्त ब्रिटेन में है और फिलहाल उनके भारत वापसी के कोई आसान नहीं लगते। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आप किसी से नहीं डरते। बीजेपी चाहे तो कल की बजाय आज ही संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दे। आप नेताओं की गिरफ्तारी पर आशुतोष ने आगे कहा, गुजरात, गोवा, पंजाब, हिमाचल में लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आपको फंसा रहे हैं। हम लोगों ने घर में कह दिया है कि किसी भी दिन पुलिस आकर आशुतोष को गिरफ्तार कर सकती है।
गंदे आरोप लगाए जा सकते हैं। मैंने अपनी पत्नी से कह दिया कि घबराना मत, मोदी जी इस गंदी राजनीति के सर सरवा है, हम इससे नहीं डरते हैं। कल की बजाय आज चंद्र सिंह और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो। साई सेंटर सोनीपत में नरसिंह यादव के कमरे में रहने वाले संदीप यादव के भी दो टेस्ट में नाकाम रहने के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ ने कहा कि इससे शक पक्का हो गया है कि इसमें कोई साजिश नहीं है। लगातार दो पहलवानों के डोप में फंसने के बाद हर कोई सकते में है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने कहा शिविर में नरसिंह के रूममेट को भी उसी पदार्थ के सेवन का दोषी पाया गया, जिसे साफ पता चलता है कि ये साजिश है। दोनों पहलवान रूममेट होने की वजह से एक ही सप्लीमेंट ले रहे थे। इसके अलावा संघ ने कहा कि उसके नमूने में स्टेरॉइड की मात्रा काफी ज्यादा मिली है, जिस पर यकीन करना मुश्किल है। दैनिक अखबार ने लिखा है कि यदि ये कदम एनएसजी में भारत की सदस्यता हासिल करने की कोशिश में चीन द्वारा उसका साथ न दिए जाने की प्रतिक्रिया है तो इस बात के गंभीर परिणाम होंगे। द ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में कहा गया है ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि चीन ने एनएसजी में भारत के शामिल होने का विरोध किया, इसलिए भारत अब बदला ले रहा है। यदि नई दिल्ली वाकई एनएसजी सदस्यता के मुद्दे के चलते बदला ले रही है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। बता दें कि चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के तीन चीनी पत्रकारों की भारत में रहने की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया गया है। सोमवार को स्पीकर ने एक्शन लेते हुए मान के 3 अगस्त तक संसद आने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही एक 9 सदस्यीय कमेटी के गठन का फैसला किया गया जो मामले की जांच करेगी। लोकसभा स्पीकर ने इसके साथ ही भगवंत मान को 26 जुलाई तक कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने को कहा है। कमेटी 3 अगस्त से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये रिपोर्ट बाद में सदन के पटल पर रखी जाएगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती मान को संसद से दूर रहने के लिए कहा गया है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उन्होंने कहा इस सरकार ने कुछ नहीं किया, लोगों को सरकार से उम्मीदें थी। जम्मू कश्मीर में हिंदू सुरक्षित नहीं है, जम्मू कश्मीर में जो हालात है वे ठीक नहीं है। हम सत्ता की नहीं देश की बात करते हैं, इसलिए ये सब सवाल उठा रहे हैं। चाहे सरकार अटल जी की रही हो तब भी बाला साहब ठाकरे सवाल करते थे, अब बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है, हम लोग देश के लिए सवाल उठाते रहेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना में कहा कि बीजेपी हिंदुओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि देश की तस्वीर साफ नहीं है और ऐसा लग रहा है जैसे फॉग चल रहा है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सलमान खान को चिंकारा मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया। सेशन कोर्ट से अभिनेता को 5 साल कैद की सजा मिली थी। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होते ही सलमान को बरी करने का फैसला सुनाया गया। मामले में 12 आरोपी थे, जिनमें से 11 को बरी किया जा चुका है। इसका लाभ सलमान को मिला। सलमान खान की बहन अलवीरा अग्निहोत्री उनके वकील के साथ जोधपुर हाई कोर्ट पहुंची थी। हाई कोर्ट के फैसले को बिश्नोई समाज आगे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस भेजकर विदेशों में उनके निवेश के बारे में जानकारी मांगी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजकर शाहरुख खान से बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और दुबई जैसे देशों में निवेश का ब्यौरा मांगा गया है। सिंगापुर के जरिए इसी तरह के निवेश करने वाले कुछ दूसरे कारोबारियों को भी ऐसे ही नोटिस भेजे गए हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि डिपार्टमेंट के पास शाहरुख की विदेशी संपत्तियों के बारे में मिली जानकारियों में रकम काला धन के तहत आती है या नहीं। जानकारी के मुताबिक ये नोटिस इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 131 के तहत भेजा गया है। ये एक्ट टैक्स अधिकारियों को जांच का अधिकार देता है।